तो हाय गाइज यार, स्वागत है आप लोगों का एक और क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियो में। तो गाइज आज की वीडियो में हम, ये है हमारा व्हाट इफ इन क्लैश ऑफ क्लैंस पार्ट 2। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा और आप नहीं जानते ये सीरीज़ क्या है, तो आई बटन में आपको वीडियो मिल रही होगी व्हाट इफ इन क्लैश ऑफ क्लैंस पार्ट 1 की। तो अगर नहीं देखी तो उसी वीडियो को देख लो जल्दी से, ताकि आपको पता चल जाए व्हाट इफ इन क्लैश ऑफ क्लैंस है क्या। तो आज इसका पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस वीडियो के नीचे भी अपने व्हाट इफ कमेंट करना मत भूलना। इस वीडियो में आप व्हाट इफ कमेंट करोगे मैं उसे पार्ट 3 में ले लूंगा, और इस मत और पार्ट 3 में इस व्हाट इफ का तब बनाऊंगा जब इस वीडियो पे 50 व्यूज क्रॉस कर जाएंगे। 100 भी करवा सकते हो, लेकिन 50 क्रॉस करवा दोगे तो मैं इसका पार्ट 3 ले आऊंगा। तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो इस वीडियो को, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दो। तो हमारा पहले अपने पहले व्हाट इफ की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इफ वॉइस चैट कम इन क्लैश ऑफ क्लैंस, क्या हो अगर वॉइस चैट क्लैश ऑफ क्लैंस में आ जाए। तो चलो मान के देखते हैं। मान लो कि मैं COC खेल रहा हूँ बैठ के, और एक प्लेयर ज्वाइन करता है मेरे क्लैन में और उसका नाम होता है रिया। तो मैं अपना माइक ओपन करता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस में और कहता हूँ हेलो हेलो रिया। तो फिर रिया चैट में लिखती है हेलो। उसके बाद में मैं फिर माइक ओपन करके कहता हूँ हेलो हेलो रिया, माइक ओपन करो, हेलो रिया माइक ओपन करो, ताकि मैं पता लगा सकूँ लड़की है लड़की नहीं है, मतलब लड़का है लड़की। तो फिर रिया अपना माइक ओपन करती है और कहती है हेलो। और उसके बाद में फिर मैं अपना माइक ओपन करता हूँ बिल्कुल पागलों की तरह, मैं हूँ या तुम हो मान लो कुछ भी, कि रिया आई लव यू, रिया आई लव यू। और फिर चैट में लिख के आता है रिया हैज़ लेफ्ट द क्लैन। पर इसका उल्टा भी हो सकता है। चलो वापस वहाँ पे आते हैं जहाँ पे मैंने बोला था कि रिया आई लव यू, वहाँ से एज्यूम करते हैं, तो मतलब वहाँ से चलते हैं वापस। तो वहाँ पे आते हैं वापस, तो मैंने माइक ओपन करके कहा रिया आई लव यू। उसके बाद में रिया अपना माइक ओपन करती है और कहती है आई लव यू टू हर्ष। और उसके बाद में मैं और रिया बात करते करते क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते ही रहते हैं, कुछ दिन खेलते हैं, महीने, साल, बुढ़ापे तक खेलते ही रहते हैं। बुढ़ापा ज़्यादा हो गया, मतलब खेलते ही रहते हैं। तो वॉइस चैट आएगी तो ऐसा ज़रूर होगा, हाँ दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और ऐसा भी होगा जो लोग एक अटैक मार के COC बंद करके रख देते हैं, अब वो एक अटैक के बाद लड़की लड़का से, मतलब लड़के भी होंगे तो उनसे भी बात करते करते बहुत टाइम तक COC खेलेंगे। लड़की होगी तो भी खेलेंगे तब तो बात करेंगे, और लड़का होगा तो भी बात करेंगे। और उन फर्जी लोगों का भी भांडा फूट जाएगा जो लड़की का नाम रख के क्लैन में जाते रहते हैं, उनका भी पता लग जाएगा। अगर लड़के होंगे तो माइक ओपन करके पता चल जाएगा, माइक ओपन नहीं करेंगे तो पता चल जाएगा ये लड़का ही है, अगर लड़की होगी तो माइक ओपन करेगा और हमें पता चल जाएगा कि वो लड़की है। तो चलिए अब अपने दूसरे व्हाट इफ की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट, ये हमारे गेमिंग विद स्लीपी गाय का है, और माफ़ करना पहला वाला भी गेमिंग विद स्लीपी का आएगा था, मैं नाम लेना भूल गया था। तो गेमिंग विद स्लीपी का ही धन्यवाद, आप भी अपने व्हाट इफ कमेंट कर सकते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहा है। तो गेमिंग विद स्लीपी का एक ये दूसरा व्हाट इफ, क्या हो अगर व्हाट इफ थर्ड विलेज विल कम टू क्लैश ऑफ क्लैंस, क्या हो अगर थर्ड विलेज क्लैश ऑफ क्लैंस में आ जाए। तो इसका ये अंजाम होगा कि तुम 10 ID पहले से चला रहे हो तुम लोग, और मैं इतनी इतनी नहीं चला रहा, तुम लोगों 10 ID चला रहे हो और 10 ID में 20 विलेज खेल रहे हो, क्योंकि बुल्डर हॉल भी है, तीसरा विलेज और आ जाएगा, यानी तुम 30 गांव चलाओगे। अब 30 गांव चलाओगे तो तुम पूरे दिन इसमें ही लगे रहोगे, टाइम तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कॉल आएगा, तुम उसका फ़ोन काट दोगे, उससे तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा, फिर तुम्हारी मम्मी कहेंगी बेटा खाना खा ले, तुम खाना नहीं खाओगे, तुम्हारी मम्मी चप्पल फेंक के मारेंगी, मम्मी की फ्लाइंग चप्पल तुम्हें उड़ती हुई आएगी, तुम्हारे लगेंगी, तुम्हारी तुड़ान भी हो जाएगी, तुम्हारे पापा जी कहेंगे बेटा ये काम कर दे, तुम तब भी गांव चलाते रहोगे अपना, तो पापा की बेल्ट से भी तुम्हारी तुड़ान हो जाएगी, तो बहुत खतरनाक होने वाला है ऐसा, समझ रहे हो। तो चलो अब आप बढ़ते हैं अपने तीसरे व्हाट इफ की तरफ, जो कि मुझे 2 ही व्हाट इफ मिले थे पार्ट 1 पे, तो ये व्हाट इफ मेरा खुद का है, आप भी अपने व्हाट इफ जरूर कमेंट करना। तो तीसरा व्हाट इफ ये है कि क्या होता अगर झरना ना आया होता क्लैश ऑफ क्लैंस में। तो 2012 में झरना आया था, और कुछ टाइम बाद सुपरसेल ने ये झरना हटा दिया था, तो इसका मतलब, और फिर दोबारा झरना आया था 2020 की स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब 2012 से 2020 तक 8 सालों तक हमारे किंग क्वीन और जितने भी ये सारे ट्रूप्स हैं, गाँव की लड़कियाँ, ये सब नहीं नहाई थी 8 सालों से, नहीं नहाया था, नहीं थी कोई भी नहीं नहाया था 8 सालों से, तो उनके नहाने की बदबू बहुत फैली हुई थी गांव में, गांव छोटा सा है तो नहाने की बदबू बाहर नहीं गई थी गांव से, गांव में अटकी हुई थी,
और ये किंग क्वीन गांव की लड़कियां और जितने भी ये सारे ट्रूप्स हैं, इन सब के पाद की बदबू भी बहुत फैली हुई थी गांव के अंदर। तो मैं, तुम्हें पता होगा मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, तुम्हें नहीं पता होगा, मुझे पता है हर्ष डींगरा दी साइंटिस्ट बहुत मशहूर नाम है, हर जगह अखबार में न्यूज़ में चलता रहता है मेरा नाम। मुझे पता है तुम्हें नहीं पता होगा, तुम इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते न्यूज़ वगैरह को, तो तुम्हें मेरा नाम नहीं पता होगा कि हर्ष डींगरा एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। और जैसे होता है ना साइंस में वो फॉर्मूला, वो कोफर प्लस सल्फेस्ट क्या कह रहा हूँ, अब कह रहे होंगे तुम कमेंट में लिखने जा रहे होंगे कि ये है कद्दू का साइंटिस्ट, अरे हूँ मैं साइंटिस्ट, वो कॉपर प्लस सल्फेट इज इक्वल टू ये, सोडिया सोडा प्लस ये इज इक्वल टू ये। तो ऐसी मैंने एक नया फॉर्मूला खोजा कि पाद की बदबू प्लस नहाने की बदबू इज इक्वल टू तबाही, यानी खतरनाक मौत हो जाएगी इससे। तो जैसे ही मुझे फॉर्मूला पता चला और फिर मैंने निकाला कि कितनी मतलब पाद कितने पाद की बदबू प्लस कितनी नहाने की बदबू से मौत होगी, तो मुझे पता चला कि गांव में जितनी बदबू है वो टच करने ही वाली है मैक्सिमम को, जब मौत होने लगेगी उस लेवल को टच करने ही वाली है। तो जल्दी से मैं फिनलैंड गया है सुपर सेल के हेडक्वार्टर में और मैंने उन्हें जाके ये बात बताई कि कुछ ही दिनों में बदबू इतनी हो जाएगी ये मिक्स होकर, मतलब पाद की बदबू प्लस नहाने की बदबू मिलकर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कुछ दिनों में कि गांव किंग क्वीन और जितने भी गांव के ट्रूप्स हैं और गांव की लड़कियां औरतें ये सब मरने लग जाएंगी। तो तभी सुपर सेल वालों ने मेरी बात सुन के उसमें अपने सीओसी के गांव में झरना इंट्रोड्यूस किया और जान बच गई। और इसका आंसर ये है, अगर ना आया होता झरना तो पाद की बदबू प्लस नहाने की बदबू से गाँव में मौत का तांडव हो रहा होता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय गाइज, फिर मिलता हूँ किसी वीडियो में या लाइव स्ट्रीम पे।